और ये चीज जो भाई साहब एक राइडर के अंदर जो चिंगारियों को भड़का देता है ना भाई साहब, वो पावर इस गाड़ी में आपको भरपूर मात्रा में मिलती है गाइस। भरपूर कैसा एक्सपीरियंस आता है वो भी चेक करते रहेंगे गाइस धीरे धीरे। क्या बात है गाइस, ओए होए 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 भाई साहब। हाँ जी, सो गाइस स्वागत है एक बढ़िया से हाइपर राइड वाले व्यू में। पहले तो भाई अपन रोड क्रॉस कर लें क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा ट्रैफिक वाला हिसाब हो रहा है ना, और आई थिंक सो पुलिस वाले अंकल ना अपने को देखने आए थे पकड़ने के लिए, आई थिंक सो पता नहीं पकड़ने आए थे देखने आए थे। सो जी भगाते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन अपना भाई साहब क्या बात है गाइस। इसी बात के ऊपर वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू फ्रेश वीडियो विद अ न्यू फ्रेश व्लॉग। स्वागत है गाइस आप लोगों का एक और बहुत ही बढ़िया से हाइपर व्यू एंगल में गाइस। सो जी क्या हाल चाल है गाइस आप लोगों के, आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे गाइस। तो आज करते हैं ना अपनी बाइक में ना हाइपर राइड करते हैं, और कैसा एक्सपीरियंस आता है वो भी चेक करते रहेंगे गाइस धीरे धीरे। क्या बात है गाइस, ओए होए 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 भाई साहब, लेवल भाई साहब अलग ही लेवल है। क्या बात है गाइस, ओए होए मस्त है एकदम मस्त, जिसे कहते हैं ना कि हाँ भाई ये चीज़ जो भाई साहब एक राइडर के अंदर जो चिंगारियों को भड़का देता है ना भाई साहब, वो पावर इस गाड़ी में आपको भरपूर मात्रा में मिलती है गाइस, भरपूर मात्रा में। और क्या ही लोगे गाइस आप इस चीज़ से। भाई साहब गाड़ी देखो कैसे खड़ी करी है भाई साहब, एक टायर ऊपर है डिवाइडर के ऊपर और एक टायर बिल्कुल नीचे है भाई। ये अलग ही स्वैग है भाई गाड़ी खड़ी करने का, पार्किंग में पार्किंग मिली नहीं भाई साहब। तो बंदे ने ना एक पहिया पूरा डिवाइडर पे और आधे पहिया जो है वो डिवाइडर से नीचे, भाई साहब क्या बात है गाइस, चेक मार रहे हो, क्या बात है यार, क्या ही बात है, ओए होए। अपने को यार हम लोग सीधे निकले हैं कि यार सामने से निकले, क्योंकि अपने को जाना इधर की साइड से था तो, लेकिन फिर भी कोई नहीं वहाँ से हम लोग घुमा लेंगे। क्या बात है यार, अलग ही लेवल है गाइस, अलग लेवल भाई साहब। गाइस एक चीज़ तो है इसमें ना मज़ा आ जाता है भाई साहब, इस चीज़ का अलग ही लेवल आ जाता है। ऐसे तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, न्यूटन का तो हिसाब थोड़ा सा आगे का ही है, लेकिन कुछ जगह है निकालने के लिए। अच्छा फील बहुत तगड़ा आता है गाइस इस पर, जो उसका जो राइडिंग पोस्चर है ना और जो सिटिंग पोस्चर, मतलब राइडिंग पोस्चर या सिटिंग पोस्चर आप एक ही बात है, दोनों में कोई भी चीज़ कह सकते हो, लेकिन गाइस जो इसका जो राइडिंग पोस्चर है ना भाई साहब, वो इतना मतलब इस हिसाब से दे रखा है कि आपको ये जो चीज़ है ना बिल्कुल परफेक्ट, जो एक लीन एंगल होता है ना गाड़ी का, मतलब जो बैठने का जो तरीका होता है जिसमें आप अपनी स्पीड को ना उस हिसाब से पुट ऑन कर सकते हैं जिस हिसाब से ये बनाई गई है। एरोडायनेमिक जितनी भी चीज़ें हैं ना गाइस राइडर के बैठने के तरीके से, और अलग ही लेवल का बना रखा है भाई साहब, जिसकी वजह से ना गाड़ी की जो पावर है ना वो विद इन अ सेकेंड पुट ऑन होती है गाइस। और मेन मकसद क्या होता है ना ऐसे, मतलब एंगल रखने का मेन मकसद ये होता है कि आपको ना जो सामने की जो विंड ब्लास्ट होता है ना गाइस, वो आपको बिल्कुल भी ना लगे ऐसी कि आपके ना आजू बाजू से कट जाए वो विंड ब्लास्ट। तो ये चीज़ होती है एक बाइक को बनाने का और एक बाइक के डिज़ाइन को तैयार करने का स्ट्रक्चर, जो कि गाइस देखो हल्का सा भी अगर मैं पुल करता हूँ ना, तो अगर अपनी स्पीड 50 से अबव जाती है, 70 से अबव जाती है ना, तो कभी ऐसा लगता नहीं है कि जैसे बाइक पे हम लोग बैठे हुए हैं ना, तो बाइक का जो विंड ब्लास्ट जो सामने से जो आता है, मतलब हवा का जो विंड ब्लास्ट आता है, तो उस चीज़ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप पीछे की साइड हो रहे हो, ऐसा लगता है कि आप बस आराम से बैठो, आपकी हैंडलिंग सिटिंग बढ़िया होनी चाहिए, और फिर तो उसके बाद आप 100 जितनी भी भगाना चाहते हो ना गाइस भगा सकते हो। और भाई साहब लेवल ना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है इस चीज़ का। तो एक बार दोबारा से भगाते हैं गाइस, क्या बात है, चेक मार रहे हो गाइस। अभी तो ये सिटी वाला एरिया है, सिटी वाले एरिया में
अपन लोग यार इतनी भगा नहीं सकते हैं, वैसे इतनी भगाने का तो कोई मतलब भी नहीं है यार। और एक बेसिक मैसेज यही रहेगा गाइस, जितने भी लोग बाइक वगैरह चलाते हैं, यंग्स जितने भी मतलब लोग हैं ना वो बाइक चलाते हैं ना, तो प्लीज़ यार बी केयरफुल राइड। देखो शुरू शुरू में जब बाइक का चलाने का जो एक एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल वाला होता है, जब फर्स्ट टाइम अपने हाथ में बाइक आती है ना, और स्पीड जो होती है ना वो अपने जो डोपामिन के जो लेवल होता है ना उसको इतना ज़्यादा इंक्रीज कर देती है ना, अपनी बॉडी में जितनी भी चीज़ें होती है ना भाई साहब वो इतनी जल्दी स्पार्क मारती है ना, उसके चक्कर में गाइज कभी भी यार देखो बाइक चलाओ हमेशा बिल्कुल मेंटेन स्पीड में, जिसमें कि आप लोग भी सेफ रहो और सामने वाला बंदा भी सेफ रहे। क्योंकि देखो गाइज आप इतनी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से अगर बाइक चलाओगे ना, स्पेशली यंगस्टर के लिए मैं बोल रहा हूँ जो न्यू बाइक चलाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग केयरफुली बाइक चलाएं, बहुत ज़्यादा केयरफुली। और सबसे मेन बात है कि आप ना एक बढ़िया सा ब्रांडेड का हेलमेट ज़रूर पहने गाइस, जिसकी वजह से आप ज़्यादा सेफ रहो। और अगर मान लो अगर इंजरी होने के चांसेस भी अगर होते हैं ना, तो उस हेलमेट के ज़रिए आप प्रोटेक्ट रहो गाइस। ये वाली चीज़ मैं अपील करूँगा, ये मैं एक सजेशन भी दूँगा गाइस। बाकी आप लोग जब इतनी स्पीड में अगर चलाते हो ना, तो आपके पास स्किल्स होने चाहिए बढ़िया, ठीक है, और आपका माइंड इतना ज़्यादा मतलब कॉन्शियस होना चाहिए कि आपको इधर उधर की जो एक्टिविटीज़ होती है ना उन सब चीज़ों का पता रहने पाए कि कब कौन सी गाड़ी कहाँ से आ रही है और कब मेरे को क्या करना है, कौन सा ब्रेक दबाना है, कौन सा ब्रेक नहीं दबाना है। तो सडनली एक चीज़ और बताऊँगा, एक टिप्स और रहेगी गाइस ये वाली, कि लोग ना ज़्यादातर क्या करते हैं कि ये वाला जो ब्रेक होता है ना आगे वाला फ्रंट ब्रेक को ज़्यादा यूज़ करते हैं, और पैनिक सिचुएशन में क्या करते हैं सडनली आगे वाला डिस्क ब्रेक मार देते हैं, जिसकी वजह से गाइस गाड़ी स्लिप होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। वैसे तो अब ABS आ चुके हैं बाइक में, तो ABS में मेन चीज़ यही होती है कि ABS अपने जो आगे का जो व्हील होता है ना उसको स्लिप नहीं होने देता है, एज इट इज़ वैसे का वैसे ही मतलब रखता है, तो जिसकी वजह से गाइज आपके स्किट होने के चांसेस ना बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बाकी गाइज अगर आपके पास ABS नहीं है तो सबसे पहले गाइज आप अपना पीछे वाला ब्रेक मारो और क्लच को बिल्कुल छोड़ दो, और फिर हल्का हल्का करके आगे वाला ब्रेक दबाओ, तो आप ना उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बिल्कुल तैयार हो सकते हो गाइज। बाकी देखो यही वाली चीज़ रहेगी कि आप लोग बिल्कुल ही ज़्यादा मतलब हाइपर राइड बिल्कुल भी ना करें, ओवर हाइपर राइड बिल्कुल भी ना करें गाइस, ठीक है। जब चलाते हो तो केयरफुली चलाओ, एंजॉय करो बस बाइक चलाने के लिए, बस और इससे ज़्यादा कुछ नहीं गाइस। और होप सो गाइस आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट ब्लॉग देखने के लिए स्टे ट्यून स्टे वॉच गाइस। और वीडियो गाइस करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं गाइस, फिर बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।